बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने तंज कस दिया है। सुरजेवाला कह रहे हैं बीजेपी के दिग्गजों को चुनाव में उतारने पर वो कह रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सुरजेवाला का कहना है कि नई लिस्ट में शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने की कोशिश में हैं। बीजेपी को कांग्रेस का भय सता रहा है, चाहे कितने दिग्गज बीजेपी उतार ले, मध्य प्रदेश में सत्ता नहीं बचने वाली। तो ये कांग्रेस की तरफ से जो तंज कसा गया है बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट पर, जिसमें बड़े बड़े दिग्गजों का नाम है, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये अपने अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने लगाने की कोशिश में, शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो कांग्रेस इस रूप में इस लिस्ट को देख रही है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी स्ट्रैटेजी करार दे रही हैं अपने अपने कदमों को, लेकिन किसकी स्ट्रैटेजी कितनी भारी, चुनावी नफा नुकसान के हिसाब से किसकी स्ट्रैटेजी यहां पर बेहतर नजर आ रही है, जरा सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, स्ट्रैटेजी वर्सेस स्ट्रैटेजी, बीजेपी भी कह रही है हमारी स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस भी कह रही है हमारी स्ट्रैटेजी है, किसकी स्ट्रैटेजी बेहतर लग रही है आपको? देखिए रोमाना, मध्य प्रदेश की लड़ाई 2018 में जिस तरह की थी, तो उसके बाद ये दिख रहा था कि मुश्किल है, दोनों की लड़ाई बहुत कठिन है। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से शुरुआती बढ़त ली थी, जिस तरह से कर्नाटक के बाद एक मोमेंटम उनके साथ था, लेकिन कमाल की बात ये कि जिस तरह से उन्होंने मोमेंटम लूज किया है वो कमाल है। और वो कमाल कहां से शुरू हुआ था? एक फर्जी चिट्ठी आई थी जिसमें कहा गया था कि कॉन्ट्रैक्टर वो कमीशन उनकी वजह से परेशान है, कर्नाटक दोहराने की कोशिश, शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद अमित शाह पूरी कमान संभालते हैं। और देखिए ये जो सांसदों को, पूर्व मंत्रियों को और कैलाश विजयवर्गीय को लड़ाया गया, ये वो ज्यादातर सीटें हैं जो कांग्रेस के कब्जे में 2018 में आई। एक नरसिंहपुर छोड़ दें, प्रहलाद पटेल का तो अपना घर है, उनके छोटे भाई जालम पटेल ही वहां से विधायक थे, लेकिन ये वो नेता हैं जो सांसदी अपने बूते जीत सकते हैं, विधायकी इनके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। अब इससे दो चीजें होंगी, एक तो ये कि वहां जो आपस में खींचतान की राजनीति है वो खत्म होगी, दूसरा शिवराज सिंह चौहान के आगे कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी देख रही तो वो बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, कभी प्रहलाद पटेल का नाम चलता है, कभी नरेंद्र तोमर का नाम चलता है, कभी कैलाश विजयवर्गीय का। आगे बात करेंगे। ABP News, आपको रखे आगे।